सामान निकालो बेटा, आए जाना। अली हसन जी, ये लड़का कौन है? ये लड़का जाना भी, ये लड़का नहीं है, आपकी लाडली भतीजी लाइबा है। अच्छा, मेरा ख्याल है भाभी की बेटे वाली ख्वाहिश का नतीजा है। शायद। लाइबा, लाइबा। जाना भी। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ठीक हो गई हूँ। बच्चे तो इतना बड़ा हो गया और उसके बाद बच्चों के साथ क्रिकेट खेलेंगे? जाना भी, बड़ी गाँव हूँ अभी तो, बहुत छोटी हूँ मैं, सबसे छोटी हूँ। आप इतने दिन बाद क्यों आई हैं? बेटा, तुम लोगों की शादी से पूरे 10 दिन पहले आई हो। लाइबा भी, ये क्या, जब हमारी बारी आई तो आप यहाँ आ गई। देखो, मेरी जाना भी आई है नैरोबी से। खेल खत्म। अच्छा बेटा, उतार इन्हें, उतार, बुलेट के गिर पड़ेगी, उतार। उतर गया ना, उतर गया, उतर उतर हम भी चले ना। आ, ओह माय गॉड, मामा सजल, ओह माय गॉड, ओ लाइका, मामा मामा, अलिश्मा, मलाइका, सजल, देखो जाना भी आ गई, जल्दी आना मामा, जल्दी। जानवी, जानवी, कैसी है आप? अभी मैं बिल्कुल ठीक। आइए आइए, बैठिए। हाँ, और सुना, आप सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। अरे भाभी, आप तो शादी के वक्त बहुत ही कम उम्र थी, अब तो माशाल्लाह आप में बहुत ही ग्रेस आ गई है। अल्लाह, क्यों अली हसन? ये तो बताइए, सफर कैसा कटा? अरे भाभी, इतना लंबा सफर है, इतनी लंबी फ्लाइट। मलाइका। अरे मेरा चंदा। कैसी हो आप? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, मेरी बच्ची बहुत बड़ी हो गई, मुझसे भी ज्यादा कद निकाल ली। जानवी। सजल है ये। मेरा बच्चा सजल, हम तो आपको रोज याद करते थे। सच? बिल्कुल सच। जानवी, जानवी, आप कैसी हैं? मैंने आपको इतना याद किया हूँ। अलिश्मा बेटा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हो। जानवी, आपको पता है कि मैं आपको इतना याद करती थी कि रोज ख्वाब में देखती थी। सच? अच्छा बैठे ना आप। अच्छा मलाइका बेटा जी, मामा, अब आप खाना निकलवाना शुरू कीजिए। अच्छा जाना भी, खाने के बाद बहुत सारी बातें करनी है। सजल जी, मामा, बेटे फूफो का सामान उनके कमरे में रखवाओ जाके। अच्छा ठीक है, जाना भी ऐसे करो, मुझे चाबी दे दें तो मैं आपके कपड़े निकालूं और आप फ्रेश हो जाइएगा। ये लो बेटा। अलिश्मा जी, मेरे ख्याल से तुम शाहजेब को फोन कर दो कि जाना भी आ गई। मामा, मैं कुछ नहीं करूंगी। हाँ, अरे तुम पहले अपना हुलिया तो दुरुस्त करो, कपड़ों पे न जाने कहाँ से मट्टी लबेड़ के आई है। क्या कर रही थी तुम? क्रिकेट खेल रही थी, ऐसे मामूल। चंदा, अब तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम अभी, जब इंसान शादी कर सकता है तो क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता? और बकबक क्यों नहीं कर सकता? अरे भाभी, शाहजेब मुझे लेने क्यों नहीं आया? वो जाना भी, शाहजेब को कोई ऑपरेशन करना था, बहुत इमरजेंसी, एक्सीडेंट का कोई केस आ गया था अचानक, इसलिए उसने मुझे फोन किया और फिर मैं आपको लेने अकेला आ गया। अली हसन, मैंने सुना है उसने बहुत बड़ा अस्पताल बना लिया। हाँ जानवी, बहुत ही उम्दा हॉस्पिटल बनाया उसने, कम्प्लीटली फिटेड है। हैं, तुम अभी तक यहीं हो? खुदा के लिए जाके हुलिया दुरुस्त करो अपना। जा रही हूँ मामा। सुनती नहीं है ये लड़की। उफ, क्या होगा इसका। भाभी, एक बात तो बताओ। जी पूछिए। रिश्ते तय करने से पहले आप लोगों ने अच्छी तरह से सोच लिया था ना? जाना भी, बच्चियों की शादियां भी कभी कोई सोचे समझे बना करता है, और फिर वो भी हम। 24 घंटे में होश आ गया ना? हाँ। तो ये फिर खतरे से बाहर हो जाएगा, वरना शाहजेब खुदा करे उसे होश आ जाए, बहुत मेहनत की है। हाँ इंशाल्लाह आ जाएगा फैसल। हेलो, ओ अलिश्मा, मैं
ऑपरेशन थिएटर में था। गुड गुड गुड, जाना भी आ गई, एक घंटे में आ रहा हूं मैं। हसन अंकल तो बहुत खुश होंगे, उनकी बहन आ गई 10 साल बाद। जेब, आप ये बात भूल गए हो कि हम 10 साल से उनसे नहीं मिले, आप तो पिछले बरस उनसे मिले हो। अच्छा सजल कहाँ है? क्यों, आपको उनसे कोई जरूरी काम है? अरे भाई नहीं, कोई जरूरी काम नहीं, सारे जरूरी काम 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिए मैंने। इतनी सालियों की मिन्नतें करने से अच्छा है कि इंसान अपने काम पोस्टपोन कर दे। हाँ जेब, हम तो सिर्फ 3 सालियां हैं। नहीं भाई, 1 साली भी 10 के बराबर होती है। खैर मैं आता हूँ। हाँ भाई, हमारी फुप्पो आ गई है 10 साल बाद नैरोबी से। एक ही फुप्पो है, इसलिए तुम्हारे अंकल चारों बेटियों की शादी एक साथ कर रहे हैं। लोग तो एक बेटी की शादी करके हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत, हिम्मत क्यों हारेंगे? हाँ भाई, उन्हें किसी चीज की कमी थोड़ी है। पॉइंट। ऑफिस में हो शफापा, आप कब आई? मैं आज ही पहुंची हूँ। तुम ऑफिस में क्या कर रहा हो? कितने काम है, तुम्हारी शादी की शॉपिंग भी करनी है और तुम गायब हो। अरे शफापा, मेरे बगैर अब तक सारे काम हो ही रहे हैं ना, जो रह गए हैं वो भी हो ही जाएंगे। खैर आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। आंटी नहीं है आपके साथ? वो भी आ जाएंगी, बस तुम जल्दी से आ जाओ। जी मैं आ जाऊंगा। भाभी, आपने खाना इतने मजे का बनाया है कि मत पूछिए। असल में इनको खाना इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपको तो मेरे ख्याल से वहाँ गेम मीट की आदत होगी। स्पेशली क्रोकोडाइल स्टिक्स। अरे भाई, तुम अपना खाना लेकर कहाँ जा रही हो? हैं, बैठ के खाओ यहीं पर। वो मामा जिमी वगैरह बाहर इंतजार कर रहे हैं, मैं थोड़ा उनके साथ खा लूंगी। तौबा है लाइबा, तुमने अभी तक बच्चों को भेजा नहीं। जाना भी इसे हर वक्त क्रिकेट खेलने की पड़ी हुई होती है। ओ गॉड, ये खिलाड़ी पता नहीं हमारे खानदान में कहाँ से पैदा होगी। बैठो लाइबा। मुझे पता है, अभी मामा और बाबा जानी जानबी से 2 घंटे तक अपने पूरे खानदान की बातें करेंगे, मगर मैं जानबी से अकेले में नैरोबी की सारे शेरों की कहानियां सुनूंगी। सारे शेरों? अरे हाँ जानबी, मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरा जो बड़ा दामाद है ताहा, वो शाहजेब के हॉस्पिटल में ही काम करता है। डॉक्टर है? लैब में काम करता है, अकेला रहता है। माँ बाप की तो डेथ हो चुकी है, एक भाई और भाभी हैं जो दुबई में रहते हैं। जाना भी, चारों लड़के हमें बहुत अच्छे मिले, बच्चों को भी पसंद है। वो तो ठीक है, लाइबा अभी बहुत छोटी है, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती है। क्या तुमने उसकी तालीम छुड़वा दी? कम से कम बीए तो करा लेते। जाना भी नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ती, बड़ी मुश्किलों से तो इंटर में दाखिला दिलवाया था। हाँ अब कह रही है कि शादी के बाद बीए कर लेगी। बाद में कौन करता है, ये सब बेकार की बातें हैं। पढ़ लेगी जाना भी, पढ़ लेगी, वादा किया है उसने। और फिर आहत भी अभी पढ़ रहा है, शादी के बाद दोनों पढ़ते रहेंगे। हाँ, और आहत का अच्छा खासा बिजनेस है, एक बहन है, माँ बाप है और बस। भाई मेरी तो ये समझ में नहीं आता, चारों बेटियों की शादी एक दिन करके तुम घर में सन्नाटा क्यों समेट रहे हो? भाभी मैं तुमसे ये कह रही थी। जाना भी, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गए। ये आपकी नजर का कमाल है। आ बेटा बैठो। मोहसिन भाई कहाँ है? बेटा उन्हें फुर्सती कहाँ है, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कुछ भी हो मैं तो जाऊंगी जरूर। आप बैठे बैठे। आंटी सज्जन, अभी तो यही कही थी, सुबह से तुम्हें फोन पे फोन किए जा रही है। आई नो, मेरे मोबाइल पे फोन कर रही थी, मैं बंद कर देता था। कभी इतनी चिल्लाई। अच्छा सुनिए,
किसी से कहिएगा सजल को यहाँ भेज दे। जी तो जानवी नैरोबी कैसे है? तलाश करता फिर रहा हूँ मैं। से तुम्हारे साथ शादी तय हुई है, बेरोजगार हो गया हूँ मैं। क्या मतलब ताहा, जॉब तो है ना? और मैं आज सारा दिन हॉस्पिटल फोन करती रही, तुम गए नहीं थे क्या? अरे तुमसे कह तो रहा हूँ कि नौकरी तलाश करने गया हुआ था, इसलिए नहीं आ सका मैं। मजाक मत कर। मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो पहले की बात और थी, शाहजेब मेरा बॉस था, अब वो मेरा हमजुल्फ बन रहा है। अब देखो तभी सोचो कि एक बहन का शौहर बॉस और दूसरी बहन का शौहर उसका मुलाजिम, तुम्हें बताओ ये अच्छा लगेगा? ताहा इसको ईगो का मसला मत बनाओ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उसको सर कह के मुखातिब करूं। देखो तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं कल रिजाइन कर रहा हूँ। इसका मतलब है कोई जॉब मिल गई है? मिल जाएगी। और देखो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मलाइका मैं ये सब तुम्हारी मोहब्बत में कर रहा हूँ, तुम ही सोचो कि तुम्हें अच्छा लगेगा कि सजल तुम्हें अपने से कमतर समझे। ऐसी बात नहीं है ताहा, तुम्हें नहीं पता हम बहनों में कितना प्यार है। अच्छा नहीं इधर देख के बोलो कि मुझसे ज्यादा इधर हाँ यहाँ देख के थोड़ा सा कम। यार मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि माँ बाप इस बात का फायदा क्यों उठाते हैं कि औलाद उनकी बात मानने पर मजबूर होती है। क्या मतलब, क्या तुम इनके इस शादी से इनकार करना चाह रहे हो? यार मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि शादी की डेट तय हो चुकी है और मुझसे पूछ के हुई है, मगर देखो रमीश जो तुम दो कश्तियों में सवार होकर जिंदगी गुजारना चाहते हो ना, ये बहुत खतरनाक है। दो किश्तियों में? कौन सी दो किश्तियों में? यही क्या फैसला ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत? वालदैन जो करना चाह रहे हैं उन्हें करने दो, वो तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। ये जो जाले हैं ना तुम्हारे धन में, इन्हें साफ कर लो, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। जानवी जी ये सब रस्मों के जोड़े हैं, इधर मैंने माइयों के जोड़े लगा दिए और ये सब मेहंदी के। भाभी मेहंदी के जोड़ों की इतनी क्या जरूरत थी? अरे जानवी आपको क्या पता, आप तो वहाँ नैरोबी में बैठी हुई थी। भाई पिछले 10 बरस में कुछ ये रिवाज हो गया है यहाँ पर कि मेहंदी की तकरीब शादी की तकरीब से ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। अच्छा हाँ, तो सजल की भी यही ख्वाहिश थी कि मेहंदी की तकरीब खूब धूमधाम से मनाए। वैसे ये बात है कि जेब को मेहंदी भी बहुत पसंद है। मामा ये सजल की पहली और आखिरी ख्वाहिश है। अरे खुदा ना करे, जो तुम्हारे मुंह में आता है कह देती हो। इसे खुद जो मेहंदी पसंद नहीं है जानवी। अरे चंदा मेहंदी ना लगे तो लड़की सुहागन नहीं लगती। जी जानवी मैं तो सारी उम्र मेहंदी फेंकी नहीं पड़ने दूंगी। इंशाल्लाह सदा सुहागन रहो। भाभी सब बच्चियों का जेवर तो कर लिया ना? जी जानवी जेवर तो माशाल्लाह सबका हो गया है, अब सबका जहेज दिखाना तो मुमकिन है नहीं। हाँ माइयों के दिन निकालूंगी ना तो आप देख लीजिएगा। वैसे तय हमने ये किया है कि सबकी तकरीब एक ही जगह करेंगे, उन लोगों के मेहमान भी आ जाएंगे और हमारे भी शामिल हो जाएंगे। चलो अल्लाह बच्चियों के नसीब अच्छे करें। जानवी बस आप दुआ करें। अरे बेटा यही तो मैं दुआ करती हूँ। हाँ भाभी वो अलेशबा वाला लड़का तस्वीर में मुझे बहुत अच्छा लगा, और आहत लाइबा की तरह चुलबुला है, और वो क्या है ताहा वो तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। क्यों जानवी शाहजेब अच्छा नहीं है? अरे वो तो मेरी जान है, मेरा अपना खून है, उससे बढ़कर मुझे कौन अच्छा लग सकता है जानवी? अरे भाई क्या मुश्किल है। लाइबा लाइबा अजीब लड़की हो तुम, कमाल हो तुम, बल्कि अजूबा हो अजूबा। तुम सारा दिन जिम्मी के साथ क्रिकेट खेल सकती हो, अरे तुम मुझसे नहीं मिल सकती हो? अरे आज जाना भी तो मम्मी क्रिकेट भी नहीं खेलने देती। अब पता है
शाहजेब भाई को भी साफ इनकार कर दिया कि अब यहाँ मिलने मत आया करो। वो कहती है कि लड़का लड़की शादी से पहले अगर ज्यादा मिले तो शादी वाले दिन दोनों के चेहरे से नूर चला जाता है। बस शादी होने वाली है, पर्दा करो। लो अब हम पर्दा कैसे कर सकते हैं? ये जाना भी कहां से आ गई? अरे तुम मेरी पुप्पो को ऐसा कह रहे हो? पता है बाबा जानी की एक ही तो बहन है, उन्हीं की वजह से तो हम सब की शादियां एक साथ कर रहे हैं। और देखो अभी से शोरों वाली हरकतें मत करो और तुम भी बीवियों वाली बातें मत करो, समझ में आई तुम्हारी बात? आहा तुम मुझे डांट रहे हो? डांट नहीं रहा हूं, डांटता तो मैं बहुत जोर से हूं। मुझे बहुत जोर से डांटोगे? शुरू में तो नहीं डांटूंगा लेकिन जो मैं तुमसे नहीं बोलती। आहत जी, अम्मी बुला रही हैं। आता हूँ। आप ही क्या बात? कुछ नहीं, लाइबा का फोन था। जी फिर झगड़ा हो गया? नहीं आप ही। अच्छा चलो अम्मी बुला रही, आओ चलो। हेलो, तुमने क्या कहा था? तुम शुरू में नहीं डांटोगे बाद में डांटोगे? लाइबा तुम रो रही थी क्या? मैं क्यों रोती? डरती हूँ क्या तुमसे? डरना चाहिए, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। शौहर भी बीवियों से डरते हैं, पागल होते हैं वो। बता तुम। हाँ अच्छा ये बताओ तुमने फोन क्यों किया? ये कहने के लिए कि मैं शुरू में भी और आखिर में भी तुमसे बिल्कुल नहीं डरूंगी, तुम्हारी दी हुई चैन भी नहीं पहनूंगी, मैंने उतार दी है। भाड़ में जाओ। बड़ा है भाड़ में भेजने वाले। अम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अहद और लैबा की शादी निभेगी कैसे? तुम्हें क्या परेशानी है? पुराने जमाने में तो लड़के लड़कियां 18-19 बरस की उम्र में ही बच्चों के माँ बाप बन जाते थे। पुराने जमाने की बात और थी अम्मी। शिम्मी तुम जलना कुड़ना बिल्कुल छोड़ दो, मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो। तुम्हारी शादी हो गई तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी, इसीलिए तो मैं आज की शादी कर रही हूँ। उसके बच्चे होंगे तो घर में रौनक हो जाएगी। मुझसे 4 साल छोटा है हद, और लैबा उससे भी 1 साल छोटी, दोनों ही संजीदा नहीं है। अरे जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो खुद ब खुद संजीदगी आ जाएगी। ये आपका है? कहा तो था कि अम्मी बुला रही हैं। आहत आहत क्या हुआ शिम्मी, आप ही क्यों शोर मचा रही हैं आप? जी अम्मी। आहत कल सुबह हजारों काम है, तुम्हारे डैडी तो इस्लामाबाद जाके बैठ गए, जाओ जाकर उन्हें फोन तो करो। मेरी बात हो गई थी अम्मी, वो कल शाम को आ रहे। फिर फोन किया तुमने? क्या बात है बरखुरदार? ओ डैडी सॉरी, वो बस अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। अम्मी कह रही थी कि आप तो जाके बैठ ही गए। भाई तुम्हारी अम्मी हमसे तो इतनी बेचैनी का इजहार नहीं करती। हाँ शर्माती होंगी डैडी। हाँ ये हो सकता है। यस बहरहाल मैं पहुंच गया हूँ, आई एम इन द सिटी। हाँ मैं घर की तरफ ही आ रहा हूँ। अच्छा तो मैं लेने आ जाऊँ? नहीं नहीं इट्स ऑल राइट, वो मैंने ऑफिस फोन करके ड्राइवर से कह दिया था, सो आई एम कमिंग विद हिम, आई एम ऑन द वे, बस पहुंच रहा हूं मैं। ठीक है डैडी आप पहुंचिए। ओके खुदाफिस। मम्मी डैडी आ गए। शुक्र है वो भी आ गए। तो लव मैरिजेस में मैं नहीं बिलीव करती क्योंकि लव मैरिजेस करके लड़ाइयां बहुत ज्यादा होती हैं। लो तो क्या प्यार करना ही नहीं चाहिए? नहीं प्यार करना चाहिए लेकिन शादी के बाद जो प्यार होता है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। पता है एक दूसरे के तौर तरीके सीखना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना और नरमी से पेश आना, और सबसे अहम बात एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना। लाइबा मैं तुम लोगों की तरह थोड़ी, पहले लड़ भी लिए पहले प्यार भी कर लिया, तुम लोग शादी के बाद क्या क्या करोगे? सारे वक्त एक दूसरे से लचते रहोगे? और आपका क्या ख्याल है, रमीज भाई से शादी के बाद आपकी मोहब्बत शुरू होगी? जरूरी है कि मोहब्बत हो जाए। हाँ मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों में सबसे ज्यादा मोहब्बत होगी।
सजल और मलाइका आप इससे भी ज्यादा? सबसे ज्यादा। पता है मुझे रमीज का ये रवैया बहुत अच्छा लगता है कि कभी उसने फोन करने की कोशिश नहीं की, कभी मिलने को नहीं कहा। खैर उन्हें तो निगाह उठाकर बात करने का तरीका भी नहीं आता लीशबा। यही तो मुझे अच्छा लगता है, उनका कम बोलना, मिलने को नहीं कहना, ऐसे रिजर्व रहना, इसी को तो कहते हैं वकार। तुम तो खामखा इतनी तारीफ कर रही हो, जानती भी नहीं हो। और वैसे भी अगर रमीज भाई वैसे नहीं निकले जैसे लगते हैं फिर? देखो मम्मी और बाबा जानी तो जानते हैं ना, वो कभी मेरे लिए कोई बुरा तो नहीं सोचेंगे। उनको अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। और अलिशा आइंदा तुम लव मैरिज को बुरा मत कहना और ना आहत को कुछ कहना, तो सबसे अच्छा है। बहुत थकन हो जाती है सफर में। हाँ आप लोग की फ्लाइट भी बहुत लेट है ये। हाँ यार मैं तो थक गया, सारा दिन काम में लगा रहा और दोपहर से बैठा हूं एयरपोर्ट पर। उफ, कहा था मैंने फरा से कि तुम चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। ये भी खूब कही आप, शादी आपके भाई की और मैं अकेली आ जाती। भाभी क्या मैं आपका भाई नहीं? अरे कहा, मैंने तो मजाक करी। ये बताओ कि भाई की रस्म कब है? हाँ 18 तारीख। 18 तारीख और अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई है। फिक्र मत करो, मैं पूरी तैयारी करके लाई हूँ, पूरी बड़ी तैयार है। बस अब तुम्हारा कमरा सजाना है और दुल्हन को लेकर आना है। सब काम कीजिए, पहले आप मेरे कपड़े निकालिए, मैं जा रहा हूँ नहाने। बिल्कुल ठीक है, आप जल्दी से नहा के तैयार होके आइए, मैं आपके लिए जबरदस्त चाय बनाता हूँ। गुड। तो भाई मैं तो चला। वैसे कहा मलाइका तस्वीर में तो बहुत प्यारी लग रही थी, देखने में कैसी है? आप देखेंगी तो आपको पता चलेगा, वैसे तस्वीर से बहुत अच्छी है। एक बात तो है कि तुमने हाथ बड़ी आला जगह मारा है, तुम्हारी जॉब देखकर तो लगता नहीं है कि इतने बड़े बिजनेसमैन अपनी बेटी देने को तैयार हो जाएंगे। भाभी यही तो फायदा है लव मैरिज का कि माँ बाप एतराज करते रहे, बेटी खुद निपट लेती है। वैसे एक बात तो बताओ, उनके घर वालों ने यह एतराज नहीं किया कि अपने घर वालों को बुलाओ, कौन है कैसे हैं वगैरह वगैरह? भाभी वो मैंने साफ साफ कह दिया कि भाई अपना बिजनेस छोड़ के नहीं आ सकते और आप उनके साथ आएंगी। और आपको पता है कि वैसे भी मैं शाहजेब के साथ 4 साल से काम कर रहा हूँ, इतना तो जानते होंगे कि मैं अच्छे खानदान से हूँ। हेलो। ओ रमीज कहाँ तुम? मैं घर पर। अच्छा क्या आजकल सड़कों पर रहना शुरू कर दिया? क्या मतलब? मतलब ये कि माँ बाप की आजकल कुछ ज्यादा ही फरमाबरदारी हो रही है। जख्मों पर नमक छिड़क रही हो तो। अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा लंच आज मेरे साथ करो। आज मुश्किल हो जाएगी, मैं घर जाकर तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ और रमीज सालेहा जाना भी को खुश देख के बहुत इत्मीनान हुआ मुझे। हाँ शुक्र है इत्मीनान तो हो गया, वरना तरह तरह के खदशात और वसवसे जहन को घेरे रहते थे कि पता नहीं साहबजादे और बहू बेगम उनसे क्या सलूक करते होंगे। हाँ रमेश बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन बेटा मेरी एक नसीहत याद रखना। वो क्या जाना भी? सास ससुर औरत के असल माँ बाप होते हैं। अब देखो ना अपने माँ बाप के यहाँ लड़की थोड़ा अरसा गुजारती है, बाकी जिंदगी तो उसे वहीं गुजारना होती है ना बेटा। पता है जाना मी, मैं बिल्कुल ऐसे सोचती हूँ, आप फिक्र मत करें ना। तुम बिल्कुल मुझ पर गई हो, मगर एक ख्याल रखना। और वो क्या?
उनकी इज्जत और वकार को अपनी इज्जत और वकार समझना। जनाबी मैं जरा फोन तो सुन लूं। हेलो जी, नैरोबी से? हाँ हाँ जी, मैं उनसे बात करवाती हूँ। जनाबी हाँ। आपका फोन है नैरोबी से, मोहसिन भाई हैं। बेटा एक काम कर, तुम मेरे लिए एक कप चाय लिया। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम भी बात कर लेना, मेरा बच्चा जल्दी से चाय लिया। अच्छा जी, आप बात करें, मैं जल्दी से। हेलो जनाबी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मोहसिन बेटा, दुल्हन कैसी है? आपके जाने के बाद से हम सब बहुत सुकून से हैं यहाँ। आप शाहजेब को फोन कर लीजिए, इतने में आपके लिए बहुत अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि लंबी कॉल करके जाया करूं। बड़ी मेहनत से कमाया है मैंने और आपके ऊपर बहुत जाया कर चुका हूँ। आपके भाई है ना वहाँ, आप उन्हीं के पास रहे और यहाँ मत आइएगा। ये लोग क्या सोचेंगे, मैं तो तुम्हारी इतनी तारीफें की है कि मैं थकती ही नहीं हूँ, और ये लोग क्या कहेंगे? क्यों करती हैं आप मेरी झूठी तारीफें? कौन सी मैं आपकी सगी औलाद हूँ? हाँ, मेरे बाप की बीवी आप जरूर थी, लेकिन वो मर गए तो मेरा और आपका रिश्ता टूट गया। बहुत भुगत चुका हूँ आपको मैं। आप अपने भाई के पास रहें, हमें आपकी जरूरत नहीं। हम भी सुकून से हैं, शायद आप भी सुकून से रहेंगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मोहसिन, जाना भी यहाँ बहुत इत्मीनान से रहेंगी। नहीं जाना भी नहीं, खाम खा झूठ को जरूरत बना लिया हम लोगों ने अपनी। धोखा देते हैं खुद को अब और सारी दुनिया को भी। मुझसे तो कह दिया होता, मैं अभी जिंदा था ना, क्यों छुपाया है आपने मुझसे? जब मैं रुखसत हुई तो अम्मा भी ने कहा कि औरत एक कूजा होती है, दरिया जितना गम समा लेती है। मैंने तो सारी जिंदगी गम समेटते हुए गुजारी है। जब भी रोने को जोर जोर से जी चाहा, लोगों को मदद के लिए पुकारना चाहा, जब ही अम्मा जान सामने दीवार बन के खड़ी हो गई। जाना भी, आप ही ने हमें भुला दिया था, हम आपको कैसे भूल सकते? बहरहाल जाना भी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं अलिया सर, लोग क्या कहेंगे, बच्चियां क्या सोचेंगी? और कोई कुछ नहीं सोचेगा। जाना भी, आप इतनी मजबूत तो नजर नहीं आती जितना सह गई। जिस लड़के की खातिर आपने दूसरी शादी नहीं की, जिसकी तालीम और तरबियत के लिए आपने अपनी जान लड़ा दी, वो इतना बदतमीज और आप? नहीं अली हसन, वो कभी कभी ऐसा करता है, कभी तो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जाना भी, कि जिस बहन को हमारे घर में कभी किसी ने घूर के नहीं देखा, वो उसके साथ इस तरह से बदतमीजी करे। सुन लीजिए आप, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, भूल जाएं उसे। अली हसन, तुम मेरी एक बात मानोगे? जी जाना। किसी को तुम मत बताना मोहसिन। जाना भी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अरे ताहा, तुमने अभी से छुट्टियां शुरू कर दी, अभी तुम्हें फिर शादी के लिए भी छुट्टियां चाहिए होंगी। हाँ तो क्या आप छुट्टियां नहीं देंगे? ये कैसे हो सकता है, मैं तो ये चाह रहा था कि तुम अभी छुट्टियां ना करते। और दूसरा ये कि वो जो तुम्हारा लैब असिस्टेंट है ना, वो बहुत गैर जिम्मेदार इंसान है, तुम्हारे पीछे तो पता नहीं वो कैसे संभालेगा। हाँ सर, मेरे बगैर मुश्किल तो होगी, क्योंकि मैं यहाँ नहीं होऊंगा। क्या मतलब?
ये मेरा रेजिग्नेशन है। ताहा ये तुम क्या कर रहे हो? नौकरी छोड़ रहा हूँ और क्या? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों जॉब छोड़ रहे हो? इसे छोड़ रहा हूँ कि हमजुल्फ होकर भी सर कहने की आदत पड़ी रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ताहा देखो, इस वक्त तुम्हें जॉब की ज्यादा जरूरत है। जी मुझे अपनी जरूरतों का एहसास है, और आप फिक्र ना करें, मैंने एक जगह अप्लाई किया है, मुझे नौकरी मिल जाएगी। देखो जो भी करना सोच समझ के करना, तुम्हारे किसी भी गलत फैसले से तुम्हें बहुत नुकसान पहुंच सकता है। मेरे तजुर्बात आपसे थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, यहां तक मेरे जल्दबाजी के फैसले हैं वो हमेशा फायदेमंद रहे मेरे लिए। एक हफ्ता शादी में रह गया और अब तुम ये बातें कर रहा हो? शफवापा अब नहीं, पिछले 4 महीने से कर रहा। मैंने तो आंटी से कहा था अतिया से कर दे, मगर लगता है आंटी दौलत देख के पसर गई। आप ये गलत समझ रही हैं, वो ये सब कुछ अपने पुराने ताल्लुकात की वजह से कर रही हैं, और अली हसन अंकल डैडी के पुराने दोस्त भी हैं। खैर अब वो तुम्हें ये थोड़े ही बताएंगी कि दौलत देखकर कर रही हैं या ताल्लुकात। अब मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ कि माँ और डैडी को आप इस शादी से मना करें। दिमाग खराब हो गया उसका, बुलाओ उसे। बाहर गया है माजिद के साथ। बताओ भला, राजदार बनाने के लिए पूरे खानदान में उनको शफ़ोई मिली थी जो सारे खानदान में ढंडोरा पीट देंगी। अरे वो लड़की तो माहिर है राय का पहाड़ बनाने। मैं बात करूंगा उससे, अब वो कह रहा है, अब उसने शफ़ो से कहा है कि वो 4 महीने से हमसे कह रहा है। झूठ बोलता है वो। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से कर रहा है इकबाल। कौन लड़की? वही जो किसी कंपनी में काम करती है, बदतमीज, बेबाक, बेहया। अगर उसने इस तरह सोचा तहसीन, तो मैं संजीदगी से कह रहा हूं कि मैं उसे घर से निकाल दूंगा, सारी उम्र उसकी सूरत नहीं देखूंगा। मगर मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। अगर उसे इनकार ही करना था तो उस वक्त करता जब ये रिश्ता तय नहीं हुआ था। रमेश जी, डैडी बैठो जा। तुम क्या चाहते हो, हम जिंदा ना रहें? जी डैडी, मैं तुमने क्या कहा शफो से? और झूठ भी बोलते हो कि तुम हमसे 4 महीने से कह रहे हो। अरे अगर हमें पता होता तो हम रिश्ता ही क्यों देते, क्यों कराते अपनी बेइज्जती? मां मैंने कहा तो था कि मैं रमशा से। रमशा इस काबिल नहीं है, मैं उसको अपनी बहू नहीं बना सकती। तुम उससे शादी करना चाहते हो ना, हैं? तो कर लो, मगर अभी मेरे घर से अपना सामान लेकर निकल जाओ। तुम्हें कसम है कि हम मर जाए तो हमारी सूरत देखने में आ जाएगी। बड़े खुश थे कि हमारा बेटा जवान हो गया, अब माँ बाप को सुख देगा, हमारे नाक ऊंचे करेगा। तुम्हारे बाप सारी उम्र इज्जत का अलम उठाए फिरे, जान दे देंगे रमीज, इज्जत पे हर्फ नहीं आने देंगे। माँ मैंने कोई बेइज्जती नहीं की। चुप, बदतमीज। ये बेइज्जती नहीं है कि शादी में एक हफ्ता रह गया है और तू शफ़ो जैसी लड़की से ये बातें कर रहा है? अरे वो लड़की तो क्या क्या कहानियां बना के पेश करेगी कि हमें खानदान में मुंह छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। और उन बच्चियों के माँ बाप का सोच जो एक ही दिन 4 शादियां कर रहे हैं बच्चियों की, वो 4 खानदान के सामने बेइज्जती बर्दाश्त करके जीने के काबिल रहेंगे? माँ मैं बस, अगर तू उस बेहया लड़की के लिए हम सब की जान लेने पे तुला हुआ है तो जा, चला जा, मगर पलट के कभी मत देख।
हसन बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, अपना गोरा चिट्टा खड़े नाक। जाना भी आप नाक को छोड़े, आप ये बताएं आपके साथ कैसा है? अरे बेटा माँ के साथ कैसा होता है, ये क्या सवाल किया तुमने? जाना भी आपको पता है मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ? अच्छा छोड़ो छोड़ो, वो बहुत मुझे चाहता है, उसने ना सज्जल के लिए बहुत खूबसूरत सेट खरीदा अपने हाथों से, ये रखा है, देख 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 देख। वाकई ये तो बहुत खूबसूरत है, सज्जल को बहुत पसंद आएगा। क्या हो रहा है भाई? अरे देखें बाबा जानी, ये जाना भी ने दिया है सज्जल के लिए। वाह जाना भी वाह, तुमने तो अम्मा भी की याद आ गई। अरे ये सेट अम्मा भी कुछ हेज में मिला था और उन्होंने जाना भी को दिया था, किसी जान से ज्यादा संभाल के। अच्छा कि इन्हें दे दिया, आपको देती तो आप या तब्दील करवा चुकी होती या खो चुकी होती। नहीं नहीं अरे हसन, ये वो सेट नहीं है, ये तो दूसरा है, मोहसिन खरीद के लाया था सज्जल के लिए, ये वो है। हाँ हाँ ये वही है। मोहसिन खरीद के लाया? हाँ हाँ ये मोहसिन वाला ही होगा, वैसे अम्मा भी कभी इससे मिलता जुलता था, खैर इतना जमाना गुजर गया, अब कहाँ याद रहता है, उन्हीं का होगा। हेलो, क्या हो रहा है? हाय। अरे मलाइका, मैं तुम्हीं से मिलने आया था। सॉरी रॉन्ग नंबर, मुझे पता आप मुझसे मिलने नहीं आए, आप तो सज्जल को देखने आए हैं। नहीं वाकई सीरियस मसला है। क्या बात है? आहद ने रिजाइन कर दिया। हाँ शाज़े, ये बात मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? तो फिर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? शाज़े मैंने उसे बहुत रोका और बहुत समझाया, लेकिन ये बात उसकी समझ में ही नहीं आती। उसका ख्याल है कि शादी के बाद अगर वो तुम्हारा मुलाजिम रहा तो मैं सज्जल से कमतर हो जाऊंगी। What nonsense? ये बात कैसे सोच ली उसने? Disgusting. सज्जल, अब उसकी सोचने पे तो मैं पाबंदी नहीं लगा सकती ना, मैं और क्या करूँ भाई, उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी कोई आमदनी का कोई दूसरा जरिया ही नहीं है, और ऊपर से उसके माली हालात, फिर तुम्हें भी और प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो मैंने उसको पसंद नहीं किया था उसके माली हालात देख के, अब जो भी होगा मैं सह लूंगी, बस तुम लोग प्लीज बाबा जानी को मत बताना। और बाद में पता चल गया तो? वो तो चले गई, लेकिन बाद की बाद में कह तो रहा है कि वो जॉब ढूंढ रहा है। कभी इधर भी देख लेगा। क्या जरूरत है तुम्हें जॉब करने की, इतने बड़े घर में शादी कर रहे हो, कोई अच्छा सा बिजनेस करो। तुम्हारी अकल भी घुटने में है फरा, कहां करेगा बिजनेस? आजकल छोटे से छोटा बिजनेस भी लाखों से शुरू होता है, पता है नहीं, खामखा बोलती रहती हूं। बेवकूफ औरत यार, ता मैं फरोख की तरफ जा रहा हूं, देर से आऊंगा। जी भाई। भाभी, भाई आपको डांटे और आप हंस रही? ताहा, मैं उनके डांटने पे नहीं हंस रही, इस पर हंस रही हूँ कि उनकी अकल तो घुटने में भी नहीं है। ताहा, तुम अपने ससुराल वालों से साफ कह दो कि तुम्हें पहले कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करा दे, फिर तुम शादी करोगे। खुदा को माने भाभी, शादी सर पर और आप मुझसे कह रही कि मैं आगे शर्तें रखूं? तुम्हारी मर्जी, हालांकि चोट तभी मारनी चाहिए जब लोहा गरम हो। तो गोया तूफान आ ही गया। हमेशा मैं समझता था कि इन हालात में सिर्फ औरत ही मजबूर होती है, लेकिन आज पता चला कि मर्द भी उतना ही मजबूर होता है। झूठ बोलने पर कोई मजबूर नहीं होता रमेश, ना औरत ना मर्द, और तुम मुझसे झूठ भी बोलते रहे। हाँ हिम्मत नहीं थी मुझमें ना तुमसे सच बोलने की और ना डैडी और माँ से। तो फिर क्या वो मोहब्बतों के सारे दावे झूठे थे? नहीं,
रमशा तुम जानते हो कि रमेश तुम्हें भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दुआ करना कि तुम्हें भुला सकूं। क्यों? इसलिए कि अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है और जब तुम्हें अपने माँ बाप से कुछ कहने की हिम्मत नहीं है तो उस लड़की के माँ बाप से तुम कैसे कहोगे कि मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है रमशा? उसे पूछा भी था कि आप हमारे घर क्यों आ गए। तो बिल्कुल पागल हो अलिशबा, एक बार उन्हें देख लो प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं इसे नहीं मिलूंगी। मैंने इतनी संजीदा शक्ल दुनिया में कहीं नहीं देखी। हो सकता है लिजबा तुम्हारा इरादा बदल जाए, अभी भी वक्त है प्लीज। नहीं चलो ना प्लीज, चलो तो चलो। अच्छा और छुप कर देख लेना ठीक है, और वैसे भी अगर तुम छुप कर ना भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनकी निगाहें जमीन में 13 फीट तक धसी होती है। अरे रमीज मियां, इकबाल को भी साथ ही ले आते। अंकल मैं असल में यहाँ किसी काम से आया। अच्छा किया बेटे तुम आ गए, तुम तो बहुत ही तकल्लुफ करते हो। अरे भाई मुझे तो इस बच्चे का यही तो रख रखाव अच्छा लगा। अरे रमीज भाई, आज सूरज मगरिब से कैसे निकल आया? मैं बताती हूँ, मैंने तहसीन आंटी से शिकायत की थी कि हमें रमीज हफ्तों नजर नहीं आता, हमें तो इसकी शक्ल बिल्कुल ही भूल गई है। उन्होंने भेजा होगा आपको। जी मलाइका। जी बाबा। बेटा मैं चाय पीऊंगा। अभी आ रही है, बल्कि आ गई, एक सेकंड। नबी, इकबाल मेरा बचपन का दोस्त है और ऐसी दोस्ती है हमारी कि अगर उसे कांटा चुभे तो दर्द मुझे होता है और अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो शायद वो जान ही दे दे। कैसे कहूं कि नहीं रमीज, ये खुशियां तबाह करने की तुम्हें हिम्मत ही कम है। अंकल को कुछ हुआ तो डैडी जान दे देंगे। तुम्हें कसम है कि हम मर जाएं तो हमारी सूरत देखने मत आना। रमेश बेटा, अपनी अम्मी से कहना कि कल शाम तक हम सामान भेज देंगे। जी कैसा सामान? अरे बेटा आखिर फर्नीचर वगैरह तो जाएगा ना, अब माशाल्लाह से 4 बच्चियों की शादियां कर रही हैं, अभी से काम शुरू नहीं होगा तो फिर खत्म कैसे होगा। जी अरे मैं कहां, जब घर जाओगे तब कह देना। बाबा जानी रमीज भाई को जाने की बहुत जल्दी है। रमीज तो हमारे साथ बाजार क्यों नहीं चलते, अपनी पसंद का कुछ ले लो। नहीं एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा काम है, मैं चलूंगा। हाँ हाँ मलाइका, तुम लोगों की शॉपिंग तो शैतान की आंत की तरह खत्म होने में नहीं आती। बाबा उसे जाने दो बेटा, शायद इकबाल घर पे अकेला हो। रमीज बेटा इकबाल से और भाभी से मेरा सलाम कहना और कहना कि अब हम मेहंदी पे मिलेंगे।
आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? पहले नेक दे 50,000 रुपए। ओ गॉड, हाफिज साहब, हाफिज साहब ऊपर आएंगे, इन बलाओं से बचाएं मुझे। आज हाफिज साहब नहीं मिलेंगे, वो अपनी शादी पे गए हैं। शादी पे गए जी? अच्छा ठीक है, मुझे तो जाने दो भाई। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। तुम लोग को पैसे मांगने के अलावा कोई काम आता है? नहीं। बहुत अफसोस की बात है। वैसे अफसोस बाद में कीजिएगा जनाब, पहले जेब खाली करें। जेब तो तुम लोगों ने मेरी वही खाली कर दी थी। खैर, मुझे तुम लोगों की गुर्बत का एहसास है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ पैसे लाया हूँ, ये ले लो। लेने तो लो वरना जाओ यहाँ से, ये लो। अरे okay? अरे अरे, अरे कंजूस भुला, कंजूस भुला, कंजूस भुला। बड़ी अजीब बात है सचिन, ये तुम इतना बड़ा घूंघट निकाल के बैठे। भाई मैं तो समझा था कि तुम बिल्कुल रिवायती नहीं होगी, तुम तो बड़ा मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल करोगी। कम ऑन सचिन, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा घूंघट उठाता हूँ, बल्कि नहीं, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। सजल ओके, हाफिज जी आप? अरे साहब क्या करूं, उम्र तो मेरी दूल्हा बनने की थी, इन कम बख्त लड़कियों ने मुझे दुल्हन बना दिया। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। मेरे बरसों की ख्वाबों की ताबीर आज पूरी हुई है, जो मैंने अपनी आंखों में सजा ली थी। लाइक मैं बहुत अकेला था, बिल्कुल अकेला। अब तो अकेले नहीं हो ना, और ना ही कभी हो गए। ये बात तो है। मेरे लिए? थैंक यू, पहनाओ। आहा, तुम लड़ रहे हो बेवकूफ, कभी किसी दूल्हा दुल्हन को तुम्हें सुहागरात में लड़ते देखा? फिर तुम ये क्यों कह रही हो कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते? हाँ तो आहन, हम लोगों ने लव मैरिज की है, मुझे ऐसा कहना चाहिए ना? लव मैरिज तो मलाइका आप ही और सजल आप ही ने भी की है, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए। आहन, ये डायलॉग जरूरी होता है? जी नहीं, सॉरी, मैं किसी की हिस नहीं करता। जा, मैं नहीं बोलती तुमसे। ओके आज सुनो, और तुमने तो कहा था तुम शुरू में नहीं डांटोगे, मुझे डांट रहे हो। सॉरी, मैं भूल गया था। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, माफ कर दो प्लीज। अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आया, ये देखो। हाय, सीधा तू है। ओ
गॉड, मतलब पागल, इसे गिफ्ट नहीं कहते, इसे मुंह दिखाई कहते हैं। मुझे मुझे जाना भी ने बताया था, इसे मुंह दिखाई कहते हैं। अच्छा एक काम करो, क्या मैं घूंघट डालती हूँ, पहले तो मेरा घूंघट उठाना, आप मुझे अंगूठी देना, ठीक है? उठा दो, उठा रहा हूँ बाबा। तारीफ करो। अरे कर रहा हूँ, इतनी जल्दी क्या है, बिल्कुल चांद जैसी लग रही है। ओ ये तो मैं हूँ। अरे अंगूठी तो बनाओ। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ मेरा दुपट्टा भी पूरा गिराया तुमने। I'm sorry, sorry. ये देखो तुम्हारे हाथ में कितनी अच्छी लग रही है। ये ये कैसी लग रही है? थैंक यू, बहुत अच्छी है, सो स्वीट, तुम बहुत अच्छे हो, हर मुझे पता ही नहीं था, बहुत अच्छी यार। मामा, रमीज घर छोड़ चला गया।